हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं आज आपको एक पोर्शन दिखा रहा हूँ टीचर सोसाइटी का, जो कि 240 यार्ड्स पे के ऊपर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का है। पहले अभी जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है। पहले आप इसकी फ्लोरिंग देख लें, ये ग्राउंड फ्लोर का है और लीज़ है, सब लीज़ के साथ है। ये देखें, अच्छी फोर्थ सेलिंग हुई हुई है इसके ऊपर। टीवी लाउंज काफ़ी बहुत बड़ा है, आपको मैं और वाइड करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये टीवी लाउंज है इसका और ग्राउंड फ्लोर का है, बिल्कुल बंगलों के बीच में है। ये इसका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम आप देख लें कि शुरू हो रहा तो ख़त्म नहीं हो रहा, काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। और ये देखें, बहुत बड़े साइज़ पर ड्राइंग रूम है और इसकी एंट्रेंस भी इन्होंने यहाँ मेन पे रखी हुई है। और ये और वुडिंग फ्लोरिंग हुई हुई इसकी, ये देखें। और अभी मैं आपको इसके कमरे दिखाता हूँ, बेडरूम, और पहले आप किचन देख लें। ये इसका किचन है, इसके साथ जो है वो गली भी दी हुई है, ये देखें। ये इसका किचन है और पीछे वेंटिलेशन के लिए किचन के साथ जो है गली भी दी हुई है। और ये देख लें आप, पूरा पहले आपको दिखा दूँ। अभी इसमें रिहाइश मौजूद है, तो ये मैंने आपको किचन दिखा दिया है, पीछे वेंटिलेशन मौजूद है, चारों तरफ खिड़कियाँ मौजूद हैं इसकी। तीन बेडरूम हैं इसके अंदर, ये फर्स्ट बेडरूम है इसका, ये देख लें। काफ़ी बड़े कमरे दिए हुए इसमें, क्योंकि 240 यार्ड्स के ऊपर है और है ये टीचर सोसाइटी में। ये पीछे जो है इन्होंने, ये देखें कि यहाँ पर जो है वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, और यहाँ सामान लगा हुआ है इनका। अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा रहा हूँ, ये वॉशरूम देख लें आप कितने बड़े हैं। ये देख लें, वॉशरूम बहुत बड़े हैं। और अभी मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखाता हूँ। ये मैंने इसका फर्स्ट बेडरूम आपको दिखा दिया और अब मैं सेकंड बेडरूम में जा रहा हूँ। और आप देख लें, सेकंड बेडरूम भी जो है उसका साइज़ देख लें। ये सेकेंड बेडरूम है और इसमें भी आपको सामने विंडो नज़र आ रही है वेंटिलेशन के लिए। और इधर इसमें जो है, इसमें जो है वार्डरोब्स भी दी हुई है, मतलब अलमारी पूरी बनी हुई है इस कमरे के अंदर, ये देख लें आप। और अच्छा इन्होंने साफ़ सुथरा रखा हुआ घर को। और ये इसका वॉशरूम, वॉशरूम आप देख लें, काफ़ी बड़े बड़े वॉशरूम दिए हुए हैं, ये देखें। ये काफ़ी बड़े वॉशरूम दिए हुए हैं। और अभी मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको इसके पैसे भी बताऊँगा और पैसे सुन के ही आप लोग वीडियो क्लोज़ कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखा रहा हूँ, ये थर्ड बेडरूम है इसका, ये देख लें आप। ये तीसरा कमरा है और अभी मैं इसका आपको वॉशरूम भी दिखाता हूँ। और इस कमरे में जो है वार्डरोब्स भी दी हुई हैं, ये देख लें आप, ये वार्डरोब्स दी हुई है। और तो मतलब इससे पहले वाले भी मैंने आपको दिखाया था कि अलमारियाँ दी हुई हैं और इसमें भी दी हुई है। और अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा रहा हूँ। वॉशरूम तीनों ही बड़े हैं, मतलब बड़े बाथरूम हैं, क्योंकि 240 यार्ड्स में है तो जगह काफ़ी होती है 240 यार्ड्स में, तो वॉशरूम बड़े बड़े हैं। और ये देख लें, अच्छा साथ रहिएगा, वीडियो के पैसे ज़रूर बताऊँगा मैं इसके। आप लोग ये कहें कि पैसे नहीं बताए, पैसे बताऊँगा मैं। अच्छा मैं दोबारा पहले वाले के, जब मैंने आपको पहला कमरा दिखाया था उसमें भी वार्डरोब्स बनी हुई, मतलब तीनों कमरों के अंदर जो है वो अलमारियाँ बनी हुई हैं। मैं ये वाली मिस कर गया था, लेकिन मैं अभी वापस आया तो मैंने देखा कि इसके अंदर, ये तीनों कमरों के अंदर जो है वो वार्डरोब्स बनी हुई हैं और अलमारियां बनी हुई हैं दीवार के अंदर। और अब मैं आ गया हूँ इसके टीवी लाउंज में दोबारा, ये देखें, ये टीवी लाउंज बहुत ही ह्यूज टीवी लाउंज है, ये देखें, ये बहुत बड़ा है। और अच्छी जो है फोर सीलिंग का काम भी बहुत अच्छा हुआ है इसके ऊपर, ये देखें। और मैं आपको एक बार फिर ज़रा ड्राइंग रूम की दोबारा सैर करा दूँ, ये देखें, ये मैं ड्राइंग रूम में आ गया हूँ दोबारा। ड्राइंग रूम भी बहुत बड़ा है इनका, कमरे बड़े बड़े हैं, ये देख लें, ये देखें। और मैंने आपको बताया कि वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है इसकी ड्राइंग रूम के अंदर, तो जगह इम्पॉर्टेंट है, टीचर सोसाइटी में है, बिल्कुल गेट से घुसते ही, मेन गेट से घुसते ही जी ये पोर्शन मौजूद है, लीज़, सब लीज़ के साथ है।
तो एक बार फिर मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गया हूँ। ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, पीछे तीन बेडरूम आपको नज़र आ रहे हैं, किचन भी दिखा दिया मैंने आपको, तीनों बेडरूम भी दिखा दिए हैं। और ये आप देख लें, काफ़ी बड़ा पोर्शन है, 240 यार्ड्स का है, और इसके ये 2 करोड़ 65 लाख रुपये मांग रहे हैं। बाकी जो है वो जब आप बैठेंगे तो निगोशिएशन तो यकीनन होती है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ अपनी वीडियो में, निगोशिएशन होती है। 2 करोड़ 65 मांग रहे हैं, सब लीज़ के साथ है, बिजली पानी गैस सब मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, टीचर सोसाइटी की जो फैसिलिटी विलास बंगलों वालों को मिल रही है वो आपको भी मिलेगी, और सिक्योरिटी के साथ है, और घर के आगे पार्किंग भी है। तो ये इसका मेन गेट है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का है, अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी हाइट के ऊपर है, ये फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स जा रही हैं, और ये तकरीबन इसमें बड़े ही बड़े साइज़ के पोर्शन है, इसमें सारे 240 यार्ड्स की। ये यहाँ टैंक का एरिया है, ये कॉरिडोर है, यहाँ पे बाइक वाले तो अंदर ला सकते हैं, जो बाइकें लेके आ सकते हैं। ये देख लें, ग्राउंड प्लस 2 की ये बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 2 की है। और ये देखें, ये मेन गेट है इसका, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये देखें। और लोगों ने गाड़ियाँ जो है वो घर के आगे, बहुत बड़ी पार्किंग है, अंधेरा हो रहा है लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ कि घर के आगे बहुत बड़ी पार्किंग है, गाड़ियाँ सारी यहीं होती हैं, गैस मौजूद है, ये गैस के मीटर लगे हुए सामने, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो मैंने आपको पोर्शन दिखाया है, इसका मेन रोड पे भी एक दरवाज़ा है, और ये आपको इलेक्ट्रिक के मीटर नज़र आ रहे हैं सारे, सबके हर इंडिविजुअल्स के अलग अलग लगे हुए। और ये पार्किंग का एरिया है, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, और इस घर की जो है डेडिकेट पार्किंग मौजूद है, जो कि जो जो भी लेगा वो उसको वो पार्किंग भी मिलेगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों और टीचर सोसाइटी में लीज पोर्शन लेने के लिए, वो लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। मैं वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।